कैसे शुरू करें लॉन्ड्री का बिजनेस? बिजनेसमैन को उस एरिया का सर्वे करना होगा जहां पर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। यदि वहां पर रहने वाले अधिकांश लोग नौकरी पेशा हैं और वहां पर लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग करने का चलन है, तो वो जगह आपके बिजनेस के लिए अच्छी साबित हो सकती है। इसके अलावा आपका बिजनेस कई ऐसे संस्थानों में भी चल सकता है जहां पर भारी संख्या में कपड़े रोजाना धुलाए जाते हैं। इस तरह के संस्थानों में प्रमुख हैं अस्पताल, 3-स्टार या 5-स्टार होटल, रेस्टोरेंट, गवर्नमेंट संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सिक्योरिटी एजेंसीज। इनमें से अस्पताल, होटल और रेस्टोरेंट में चादर, तकिए के कवर, कंबल, कर्मचारियों की ड्रेस आदि की धुलाई रोजाना की जाती है। गवर्नमेंट संस्थान में भी कवर और पर्दे आदि की धुलाई होती है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट और सिक्योरिटी एजेंसीज में वर्दियों की धुलाई कराई जाती है। कैसे शुरू करें लॉन्ड्री का बिजनेस? इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको अच्छी लोकेशन पर एक अच्छी दुकान की आवश्यकता होगी। इस बिजनेस के लिए आपको थोड़ी बड़ी दुकान लेनी होगी। यदि आपका बजट प्राइम लोकेशन वाली बड़ी दुकान की परमिशन नहीं दे रहा है, तो आपको इस बिजनेस को दो भागों में बांट देना चाहिए। एक सामान्य सी दुकान लेनी चाहिए, दूसरी वर्कशॉप के लिए जगह ले लेनी चाहिए। दुकान को दो भागों में बांटना है। एक अच्छा सा काउंटर लगाना होगा जिसमें कस्टमर से डीलिंग की जा सके। दूसरे भाग में इस्त्री करने की टेबल लगानी होगी। साथ ही कुछ ऐसे वार्डरोब बनवाने होंगे जिसमें ग्राहकों को देने वाले कपड़े हैंगर्स में लटके रहें। वर्कशॉप के लिए आप अपनी सुविधा अनुसार सस्ती जगह ले सकते हैं जहां पर कपड़े धोए जा सकते हों और सुखाए भी। साथ ही ड्राई क्लीनिंग का काम भी आसानी से किया जा सके। कौन कौन सी मशीनें और कच्चा माल चाहिए? लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग के बिजनेस के लिए कुछ मशीनों की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही कुछ कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है: साबुन और सर्फ यानी डिटर्जेंट, ड्राई क्लीनिंग के लिए कई तरह के केमिकल, इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन, ड्रायर मशीन, स्टीम जनरेटर प्रेस। लाइसेंस कौन कौन से चाहिए? शुरुआत में तो लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन बिजनेस बढ़ते के बाद सरकारी संस्थानों, होटल, अस्पतालों आदि से बिजनेस करने और उनसे लेन देन के लिए आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी। इसमें सबसे पहले आपको अपनी लोकल अथॉरिटी से बिजनेस का लाइसेंस लेना होगा, GST नंबर लेना होगा। इसके अलावा आपको शॉपिंग एक्ट के तहत अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। लॉन्ड्री के बिजनेस में कितनी लागत आ सकती है? बिजनेस करने वाले की क्षमता पर निर्भर करता है और बिजनेस किस एरिया में किया जा रहा है उस पर निर्भर करता है। यदि किसी कस्बे और नगर के पॉश एरिया में ये बिजनेस शुरू किया जाता है, तो वहाँ की दुकान का किराया अलग होगा, और यदि यही बिजनेस महानगर की हाई सोसाइटी में किया जा रहा है, तो वहाँ का किराया अलग होगा। इसके अलावा मशीन और कच्चा माल में ज़्यादा अंतर नहीं होता। हाँ, यदि बिजनेसमैन अपने बिजनेस में काम करने वाले किसी एक्सपर्ट को रखना चाहता है, तो दोनों जगह में काम करने वालों की सैलरी में काफ़ी अंतर होता है, इसलिए दोनों जगह के बिजनेस की लागत भी अलग लगाएगी। एक अनुमान के अनुसार इस बिजनेस को 3-5 लाख के बीच शुरू किया जा सकता है। मुनाफा प्रत्येक बिजनेस से मुनाफे के लिए ही किया जाता है। बिजनेस करने वाला व्यक्ति अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहता है, लेकिन प्रत्येक बिजनेस में जबरदस्त कंपटीशन के कारण शुरुआत में मुनाफे का प्रतिशत कम रहता है। जैसे जैसे बिजनेस पुराना होता जाता है, प्रॉफिट बढ़ता जाता है। ऐसा ही इस बिजनेस के साथ भी है। नया नया बिजनेस शुरू करते समय मुनाफे पर कम, ग्राहक पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि आपके कॉम्पिटिटर 50% मुनाफा कमा रहे हैं, तो आपको शुरू शुरू में इस बिजनेस में 20-30% तक मुनाफा लेना चाहिए। आपकी अच्छी सर्विस और अच्छी क्वालिटी के साथ आपका अच्छा व्यवहार मुनाफे को बहुत ही जल्दी 50% तक पहुँचा देगा। बिजनेस को रफ्तार देने के टिप्स। आपको अपनी लॉन्ड्री के बिजनेस में कुछ ऐसी खास टिप्स अपनानी होंगी जो आपके बिजनेस को पंख लगा सके। जैसे आपकी दुकान में आने वाले नियमित ग्राहकों को 1 किलोमीटर के एरिया में होम डिलीवरी की फ्री सुविधा देने का ऑफर दे दें। यदि कोई अपने घर से कपड़े ले जाने का ऑर्डर देता है, तो उसकी डिमांड यानी समय पर कपड़े लेने और समय पर कपड़े पहुँचाने का सही प्रबंध करें। इसके अलावा आप जहाँ से साबुन डिटर्जेंट लें, उस दुकानदार से भी बिजनेस लेने का प्रयास करें। इससे संपर्क बनाए रखें और वहाँ पर अपनी विजिटिंग कार्ड छोड़ दें अथवा उसकी दुकान की प्राइम लोकेशन पर अपना विजिटिंग कार्ड या पैम्फलेट चिपका दें, जिससे उसके दुकान में आने वाले किसी ग्राहक को आपकी सेवाओं की आवश्यकता हो तो वो आपसे संपर्क कर सके। इसके अलावा आप अपने बिजनेस का सोशल मीडिया पर भी प्रचार करें। साथ ही वेबसाइट बनाकर गूगल माय बिजनेस में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो काफी लाभ मिल सकता है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।